हम हैरी से ये लड़ाई कैसे जीत पाएंगे? हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। कियारा मैम, हमारा सारा लॉजिस्टिक और कुरियर एक महीने के लिए मैं हैंडल करूंगा। एक महीने तक मुझे ये छूट दी जाए कि कुरियर चार्जेस भी मैं तय करूंगा। ओके, हमें मंजूर है। बताइए आप क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं हमारे जितने क्लाइंट्स हैं उन सबको ईमेल्स, मैसेजेस और कॉल्स के द्वारा ये बताना चाहूंगा कि हमारे कुरियर चार्जेस हैरी की कंपनी के कुरियर चार्जेस जितने हो गए हैं, दैट टू विद इमीडिएट इफेक्ट। कियारा, आई डोंट नो अबाउट यू, लेकिन मैं इस चीज की परमिशन नहीं दे सकता। सॉरी। निक, मैं तुम्हारा डर समझ सकती हूँ, पर ये मत भूलो कि मिस्टर वागले ने आज तक जो भी डिसीजंस लिए हैं उससे कंपनी को फायदा ही हुआ है। हाँ, राजेश सर, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। ए मजदूर यूनियन जिंदाबाद, ये कोई कंपनी में स्ट्राइक नहीं करवानी है कि हम आपके साथ हैं। कियारा मैम, आपको शायद पता नहीं है, लेकिन इस बार हैरी तगड़ा फाइनेंस लेके मार्केट में उतरा है और इसीलिए वो 3 महीने तक कम प्राइस में सर्विस देकर कंपटीशन खत्म करने के लिए ये प्राइस वॉर शुरू किया है। अगर हम उसके प्राइस में सर्विस देने लगे ना, तो हमारा तो सारा फंड 3 दिन में स्वाहा हो जाएगा। वाह! वैसे दासानी, तुझे बड़ी जानकारी है हैरी सर के बिजनेस के बारे में। हाँ, तो ये सारी बातें मार्केट में अभी घूम रही हैं, तो पता है मुझे, लेकिन मैंने तो नहीं सुनी बातें। खैर, क्या मैम, बताइए, आप मुझे P2P Max हैंडल करने की 1 महीने की परमिशन दे रही हैं या नहीं? I'm sorry, क्या, but I have a strong no. निक, हमारी कंपनी में ऐसे बहुत सारे पल आए हैं जहां पर मुसीबत का सामना हम सबने साथ मिलकर किया है, और आज मिस्टर वागले को ये मौका देने का डिसीजन भी हम सब साथ मिलकर ही लेंगे। आई मीन, लेट्स गो फॉर वोट। माई वोट इज यस। मेरा भी यस। मेरा भी यस। याद फ्री ना? So the majority is yes. Mr. Wagle, you can start. चंदू, मार्फत ये जी। Yes sir. Yes. हमारे जितने भी clients हैं, उन सबको emails, phone calls, messages, letters, और भी कोई तरीके होंगे, उन्हें contact करो और बता दो कि P2P Max के courier charges आज से बदल रहे। P2P Max उन्हें हैरी के कुरियर कंपनी के भाव में सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। लेट द वॉर बिगिन। आप अब तक ऑफिस ही गए? अरे जाइए, अगर श्रीनिवास अंकल आपसे पहले पहुंच गए ना, तो नाराज होंगे आप पर। काका नहीं आने वाले, वो त्याग पत्र दे दिया उन्होंने अपना। त्याग पत्र मतलब रेजिग्नेशन? रेजिग्नेशन होता है वो। हाँ, वही सेम टू सेम। लेकिन श्रीनिवास अंकल ने ऐसा क्यों किया? आपने कहीं गुस्से में कुछ बोला तो नहीं ना उन्हें? अरे मैंने कुछ नहीं बोला उनको, मैंने तो रिक्वेस्ट की उनसे कि काका इतना मत बोलिए आप, 4 लोगों के सामने 2 पैसे का कर देते हमारे को, उनका हिसाब भी समझ में नहीं आता। सिंपल हिसाब है, 4 लोग 2 पैसे, सबके सामने आधा आधा पैसा। जोक्स जोक्स मारा, हंसिए। इतनी सीरियस बात चल रही है और थारे को जोक सूझ रहा है? हाँ, श्रीनिवास अंकल ने ही कहा मुझे कि ज्योति, थारा हर्षद ना बहुत प्रेशर में काम करता है और इसलिए टेंशन के मारे गपागप माउथ फ्रेशनर खाता रहता है, तो तू ना घर का माहौल एकदम हल्का रखा कर, उसके साथ हंस बोल लिया कर, इसलिए जोक्स मारा। ऐसे काका ने बोला तुझे? हाँ। देख, तेरे से कितनी अच्छी तरह समझा के बात की, लेकिन मारे से सीधे मुंह बात ही नहीं करते।
वो तो जिसको जिस भाषा में समझ आएगा उसके साथ उसी भाषा में बात करेंगे ना। मतलब श्रीनिवास अंकल जो भी बोलते हैं जैसे भी बोलते हैं आपके भले के लिए बोलते हैं। भला करने के लिए नहीं रखा था उनको, अकाउंट संभालने के लिए रखा था। मैंने उनको इतना बोला कि काका सलीके से बात किया कीजिए ना, तुम्हारे को कहने लगे नहीं मैं नहीं बदल सकता। अगर तुझे मैं ऐसे ही स्वीकार्य हूं तो ठीक है, वरना मैं चलता हूं। तुम्हारे को तो ऐसा लगा कि जैसे वो मेरे अकाउंटेंट की नौकरी छोड़कर नहीं गए, मुझे बॉस की नौकरी से निकाल दिया उन्होंने। यही प्रॉब्लम है हर्षद, आप ना उन्हें बॉस के नजरिए से देखते हो लेकिन वो आपको बेटे की नजर से देखते हैं। अरे अकाउंट संभालने के लिए अकाउंटेंट चाहिए, तुम्हारे को संभालने के लिए बाप नहीं चाहिए। उनको ऐसा लगा कि वो काम छोड़ देंगे तो मैं डर जाऊंगा। 25,000 रुपया कितना? 25,000 रुपया देता था उनको, 10-15,000 रुपया दूं ना तो अकाउंट संभालने वालों की लाइन लग जावे, लेकिन नहीं, 25,000 रुपया। आज ही नया अकाउंटेंट अपॉइंट करता हूं मैं। देख तू, काका को लगता है कि मारे को उनकी गरज है, मना नहीं जाऊंगा मैं उनको। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा ही होगा राजिका, देख लेना। हर्षद आकर मेरे पांव पकड़कर गिड़गिड़ाएगा, वो रिक्वेस्ट करेगा तभी मैं उसके अकाउंट का जॉब लूंगा। मैं अपने से उसकी तरफ नहीं जाने वाला, बता देता हूँ राजी। आपको कहा भी किसने है? अरे वो आपके पैर पड़ने आए ना आए, अगर आपको लगता है ना कि आपने जो किया वो सही किया तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हैं? मैंने जो किया ठीक ही किया ना? हाँ? मुझे हर्षद के पैसों की कोई जरूरत नहीं है इतनी। क्यों? देखिए भगवान की दया से ना सब कुछ ठीक चल रहा है, कि विद्या मनोज दोनों नौकरी कर रहे हैं, फिर राजू ने भी आज से P2P ज्वाइन कर ही लिया है ना? हाँ ज्वाइन तो कर लिया है, लेकिन उसने मैनेजमेंट से कहा है कि जब तक कंपनी प्रॉफिट में नहीं आती ना वो तनख्वाह नहीं लेगा। राजू भी मेरे ऊपर ही गया। एक बात कहूं, मनोज भी ना आप ही पे गया है। जिस तरह आप भी ना अपने स्वाभिमान को ठेस पहुंचे ऐसे माहौल में काम नहीं कर सकते ना, वही हाल मनोज का भी है। उसके ऑफिस में भी इतना अपमान होता है ना उसका, इसलिए बार बार नौकरी छोड़ने की बात करता है। मैंने आपसे कहा था ना कि अगर आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है तो आप हर्षद की नौकरी छोड़ दीजिए, कहा था ना मैंने। उसी तरह ना मेरा मन करता है रोज मनोज को कहूं, मनोज बेटा अगर मन नहीं कर रहा है ना तो नौकरी छोड़ दे, अरे हम संभाल लेंगे। राधिका देखो, राजू ने अपने काम को जीवन के 20 साल दिए और मैंने 40 साल। आज भी हम अपनी शर्तों पर काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक लंबा समय अपने जीवन का, जीवन की हर शर्त को स्वीकार करके अपना काम किया है और रिजल्ट दिए हैं। आज भी अपने शर्तों पर काम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास अनुभव है, एक्सपर्टीज है। तुम्हें क्या लगता है, अपने जीवन के नौकरी के शुरुआती वर्षों में मैंने और राजू ने कोई अपमान नहीं सहा? अपने सीनियर्स के आंखों में अपने लिए तुच्छ भाव नहीं देखा? फिर भी नौकरी की ना? नहीं, मनोज अब 50 साल का होने चला है, उसे लगता है मैं किसी की दो बातें सुन के क्यों नौकरी करूं, क्यों अपमान सहूं। उससे कह देना आज के जमाने में उम्र और सम्मान का कोई लेना देना नहीं है। एक 30 साल के इंसान को उसके काम का अगर 10 साल का भी अनुभव हो तो उसे सम्मान मांगना नहीं पड़ता है, और अगर 50 साल के एक इंसान को 1 साल का भी तजुर्बा ना हो तो उसे सम्मान मांगने से भी नहीं मिलता है। राधिका मनोज से कह दो कि उसका ये अपमान कोई इंसान नहीं समय कर रहा है, क्योंकि उसने कभी समय का सम्मान नहीं किया था। ये समय जो बिल्डर है ना, इसने आज हद कर दिया। अरे मतलब मेरे को गाड़ी के सामने वाली सीट पर बिठा के ऐसे लेके जा रहा है जैसे मैं उसका प्यून नहीं, सिक्योरिटी गार्ड हूं।
और ऊपर से एक कैफे के सामने से हम लोग जा रहे थे तो वहाँ पे गाड़ी रुकी और बोलते मेरे लिए हॉट चॉकलेट लेके आ। हाँ तो उसमें मैं क्या करूँ मनोज, मैं ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस में हूँ। स्ट्रेस? तुझे कैसा स्ट्रेस है विद्या? तुझे वहाँ पे एसी रूम में बैठ के किताब से रट्टा मार के बच्चों को पढ़ाना है? स्ट्रेस मेरे को है? तो ये कैफे कौन सा है मालूम है तेरे को? जहाँ पे सखी और उसके दोस्त लोग आते ना वो कैफे। मैं लोगों को बोलता हूँ कि मैं मैनेजर का काम करता हूँ और ये प्यून के ड्रेस में अगर मुझे किसी ने देख लिया तो। तो क्या मनोज, क्या प्रॉब्लम है? किसी जुए खाने में तुम किसी जुए खाने में ताश तो नहीं बांट रहे ना? मेहनत कर रहे हो और तुम्हारी तरह ऐसे लाखों लोग हैं जो ऐसी नौकरी करके अपना घर चलाते हैं। ऐसा कह के कम से कम उनका अपमान तो मत करो। मैं वो लाख लोगों में से नहीं हूँ, मैं मनोज वागले हूँ। और एक हॉट चॉकलेट बना, और इतना हॉट बना कि साला पीने वाले का मुंह जल जाना चाहिए। अबे देख क्या रहा है, बना ना। मनोज हम रात को बात करें घर पे, मैं रखती हूँ, मुझे लेक्चर लेने जाना है। ठीक है। विद्या? हाँ ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ मैं। विद्या मेरी बात मानो, एक बार टेस्ट करवा लो। अरे अरे देख, मैं मानती हूँ कि प्रेगनेंसी है या नहीं ये मुझसे ज्यादा तुम्हें पता है, लेकिन फिर भी एक बार ब्लड रिपोर्ट्स तो निकलवा लो। हाँ अरे कितने दिनों तक यू ऐसे सर पकड़ कर बैठी रहोगी? आरुषि मैं एकदम ठीक हूँ। विद्या विद्या बैठ यहाँ पर, पानी ये। अभी ठीक लग रहा है? हाँ ठीक हूँ मैं। ए यार, हाँ सर वो ऑर्डर रेडी हो रहा है। अब मैं तो नहीं बना रहा हूँ ना वो हॉट चॉकलेट आपका, वो स्टाफ बना रहा है, हो जाएगा तो लेके आऊंगा। अगर कुछ दिन पहले मिला होता ना तेरे को पता चलता कि मनोज वागले को गाली देने वाले का क्या अंजाम होता है। ये तू जल्दी बनाना, वो फोन पे फोन किए जा रहा है मेरे को। पिज़्ज़ा विवान, वो सखी के मनोज अंकल है ना? ऑल राइट कम लेट्स से हाय। हाँ आ जाओ बात करते हैं। अरे सखी के मनोज अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं ऐसे ही इधर। सर योर हॉट चॉकलेट। हॉट चॉकलेट ले रहे हैं, यहाँ की फेमस है ना। वैसे क्या बात है अंकल, आजकल आप यहाँ आते नहीं हैं सखी की जासूसी के लिए। सुमिता अंकल अभी जॉब करते हैं, मुझे सखी ने बताया आप किसी बिल्डर के पास एज अ मैनेजर जॉब कर रहे हो ना। हाँ अरे विवान वो बिल्डर मेरा दोस्त है, तो उसने एक दिन कॉल किया और बोला कि जरूरत है थोड़ा सा, तो मैं सोचा चलो ठीक है देख लेता हूँ थोड़ा काम। नहीं फेयर इनफ, कांग्रेचुलेशंस। या कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। लेकिन आपका दोस्त थोड़ा सा अजीब नहीं है? नहीं आई मीन आपको पोस्ट तो मैनेजर की दी है लेकिन ये प्यून वाले कपड़े पहनाकर आपको हॉट चॉकलेट लेने के लिए भेज दिया। आई मीन इट्स स्ट्रेंज, डोंट यू थिंक सो? थोड़ा जल्दी में हूं मैं, चलता हूं। कीप द चेंज। By the way, मनोज अंकल, आपके बॉस को पता है कि उनका जो ये प्यून है, सॉरी माय बैड, नहीं उनका जो ये मैनेजर है उसको ना थोड़े से एंगर इश्यूज हैं। वो क्या है ना कि कहीं पर भी कभी भी किसी पर भी हाथ उठा देते हैं, है ना? बताया नहीं आपने? Anvita, stop this. What are you doing? Come on, भगवान, मैं क्या कर रही हूँ? मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ मनोज अंकल, मैं कुछ गलत बोल रही हूँ क्या? नहीं ना। अब मैं इन्होंने जो आपको बोला ना कीप द चेंज, तो चेंज है ना प्लीज आप इन्हें वापस कर दीजिए। नहीं वो क्या है ना कि कल को अगर इनके बॉस इनसे पूछेंगे कि मेरे बचे हुए पैसे कहाँ हैं तो अंकल बेचारों को अपने जेब से निकाल के वो पैसे देने पड़ेंगे। और आपको तो शायद जरूरत भी होगी राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग?
सॉरी। हाँ जाइए जाइए अंकल। अनिता ये क्या किया तुमने? हाँ व्हाट्स रॉन्ग विद यू? क्या किया मैंने विवान? तुम्हें शायद याद नहीं है लेकिन मुझे याद है, ये इंसान मनोज वागले, इसने तुम्हें फॉर नो रीजन थप्पड़ मारा था। So what? It's in the past. We are over it. I'm not over it, okay? उसने हमारा relationship तोड़ने की कोशिश की. Do you understand this? And I'm not gonna tolerate this. And now, this was my time to give him back. This is my time to give it back to Harry. Harry को उसी की भाषा में जवाब देने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था. और तुम दोनों P2P Max का delivery system संभालते हो. इसलिए ये plan मैंने तुम्हारे साथ share किया है. इस प्लान के बारे में हम तीनों के अलावा और किसी को खबर नहीं होनी चाहिए कि मैं क्या करने जा रहा हूं। आई नो राजेश सर, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूं, अगर पासा उल्टा पड़ गया तो? आप भी ना मारफत है जी। राजेश सर ने एकदम सोच समझ कर जुआ खेला है। ये जुआ नहीं है चंदू, ये जंग है और मैं वही कर रहा हूं जो जंग में जायज होता है। मारफतिया जी आप टेंशन मत लीजिए, आप कंफ्यूजन में मत रहिए, ओके? लेकिन लेट मी रिपीट कि इस प्लान के बारे में ना तो कियारा मैम ना निक किसी को भी खबर नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं ए, कियारा तुम समझ नहीं रही हो ना, हमारी कोई डिलीवरी वैन ऑफिस से निकली है ना ही डिलीवरी बॉय, हमारे ऑर्डर्स पहुंचेंगे कैसे? राजेश भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा आप कर क्या रहे हैं। निक प्लीज रिलैक्स। मिस्टर वागले मैं जानती हूँ कि आपने मुझसे कहा था कि मैं कुछ भी ना पूछूं, लेकिन लेकिन क्या किया मैम, एक महीने की बात हुई थी ना, एक दिन क्या कुछ घंटे भी नहीं हुए हैं और आपका विश्वास डगमगाने लगा। एंड निक डोंट वरी, हमारे जितने भी पार्सल्स हैं सही जगह पर सही वक्त पर डिलीवर होंगे, ट्रस्ट मी। हाँ हो जाएगी डिलीवरी, हो जाएगी, मतलब राजेश सर बोल रहे तो हो जाएगी डिलीवरी, हमें पूरा पूरा भरोसा है राजेश सर पे, है ना मार्फत जी? आई नो क्या रहा मैम। निक सर मैं एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज लेके आया हूँ, पूरे मार्केट में हमारे कुरियर लाइन में ये न्यूज फैली हुई है कि जैसे हैरी को पता चला कि हम उसके रेट पे सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं, उसने अपने रेट्स और 10% कम कर दिए। व्हाट व्हाट कियारा दिस इज क्रेजी, वो आदमी बदला लेने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है, उसके पास फंडिंग भी है, हम इससे नीचे नहीं जा सकते। हाँ जा सकते हैं निक, जा सकते हैं और जाएंगे। मार्फत जी सारे क्लाइंट्स को इन्फॉर्म कर दो कि P2P Max अपने क्लाइंट्स को और 10% डिस्काउंट दे रहा है। हर? किसी भी हालत में हैरी की प्राइस को हम मैच करके रहेंगे। कियारा This is absolutely suicidal. Please say something. Nick, मुझे मिस्टर वागले पे पूरा भरोसा है। मिस्टर वागले, go for it. Nick, सर हम बर्बाद हो जाएंगे, लूट जाएंगे। मिस्टर वागले, जी। Nick के सामने तो मैंने कुछ नहीं कहा, but you better win this battle. क्योंकि अगर आप हार गए, तो हम सब कुछ हार जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कियारा, ट्रस्ट मी। कैसे ट्रस्ट कर लूं मैं बंदे ना, ऐसे लास्ट मोमेंट किसी और कैटरर पर भरोसा करके उसे इतना बड़ा ऑर्डर कैसे दे दूं? और क्लाइंट ने तुम्हारे फूड सैंपल टेस्ट करके हमें इतना बड़ा ऑर्डर दिया है, उनको क्या जवाब दूंगा मैं? आई अंडरस्टैंड जशु भाई, बट क्या है ना कि मेरी सोसाइटी में 3 से ज्यादा हेल्पर रखना अलाउड नहीं है, और ऑर्डर लेते वक्त मुझे आइडिया नहीं था ना कि क्लाइंट सडनली गेस्ट लिस्ट बढ़ाकर 200 भी कर देगा। बेटा वंदना, हम जिस बिजनेस में हैं उसमें ऐसे चैलेंजेस आते ही रहेंगे, ये सब तुम्हारे फूड के टेस्ट की वजह से हुआ है कि क्लाइंट ने गेस्ट लिस्ट को बढ़ा दिया। देखो वंदना, परसों पार्टी है, अगर आज मैं उन्हें बताता हूँ कि कैटरिंग तुम नहीं कोई और कर रहा है तो क्लाइंट तो मानेगा नहीं, उल्टे हमारे रिलेशन खराब हो जाएंगे, वो वापस मुड़कर कभी भी हमारे पास नहीं आएगा। आई अंडरस्टैंड जशु भाई, बट मेरी प्रॉब्लम भी प्लीज समझिए ना, इतना बड़ा ऑर्डर टाइम से रेडी करने के लिए मुझे कम से कम 2 और लोग चाहिए हेल्प के लिए,
और अगर मैंने रखने की कोशिश भी की ना तो सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो बवाल मचा देंगे। क्या कहूँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, पर मुझे पता है कि तुम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लोगी। देखो सवाल हम दोनों की रेपुटेशन का है, सोचो कोई प्लान सोचो। ठीक है सोचती हूँ जशु भाई, आप टेंशन मत लीजिए, लेकिन प्लीज अभी मेरी तरफ से हाँ मत समझिएगा। हाँ प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं सोच कर बताती हूँ। ओके सोच लो बेटा, लेकिन एक बात याद रखना कि जिस तरीके से तुम्हारा फूड बिजनेस आगे बढ़ा है ना, कई ऐसे लोग हैं जो बस मौका तलाश कर रहे हैं। अगर तुमने उन्हें ये मौका दे दिया ना, तो पूरे सर्किल में खबर फैल जाएगी कि वंदना वागले में प्रोफेशनलिज्म नहीं है, और वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा बेटा। जी जी जशो, हे भगवान क्या करूं मैं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.